हाँ भाई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मोबाइल में कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका मुझे बताओ। तो जो लैपटॉप में या फिर पीसी में कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका होता है, उससे बहुत ही आसान मोबाइल में हो जाता है। क्योंकि मोबाइल में आप बिस्तर में लेटे लेटे, कंबल में लेटे लेटे आराम से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आराम से बैठ के कहीं पे भी, आप बाहर हो, आपको आधे घंटे का टाइम मिला, आप वहाँ पे बैठ के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। किसी का वेट करते हुए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दूसरी बात, आपको मोबाइल में ज़्यादा कुछ टूल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री टूल का उपयोग हम करते हुए आज आपको बताएंगे कि आप किस तरह से मोबाइल में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, कीवर्ड रिसर्च हम इसको नहीं बोलेंगे, हम कीवर्ड एनालिटिक इसको बोल सकते हैं, एनालिसिस, सॉरी। तो एनालिसिस हम कीवर्ड कैसे करते हैं? तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए पहले। तो कीवर्ड यानी कि ऐसा कि कीवर्ड हम शुरू से ही आपसे बोलते आ रहे हैं कि आपको इस तरह के कीवर्ड पर काम करना है जो कि गूगल सर्च में तो आता हो, यानी कि गूगल उसे रिकमेंड तो करता हो, लेकिन कीवर्ड टूल जैसे कि एचरेफ, सेमरस, इनके पास उनका कोई डेटा ना हो या फिर बहुत कम वॉल्यूम दिखा रहे हों। उनको हम गोल्डन कीवर्ड कहते हैं। तो गोल्डन कीवर्ड पर हमें काम करना है, और साथ ही ये लॉन्ग टेल होते हैं, तो इनका जो है रैंक होना बहुत ही आसान हो जाता है, आराम से रैंक कर जाते हैं। आ गए हम गूगल, अपने गूगल क्रोम में आप देख सकते हैं। तो गूगल क्रोम से हमें शुरुआत करना है और एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जो कि ट्रेंडिंग हो और एवरग्रीन हो, और साथ ही आपको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, और साथ ही आपका ऐसा कि जो भी SEO टूल है उन पर ज़्यादा इनका वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ज़्यादा ऐसा शो ऑफ होना चाहिए। तो चलिए, हम यहाँ पे आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो किसान कर्ज माफ़ी का चल रहा है, यानी कि KCC लोन जो होता है, तो हम उस पर जो है रिसर्च करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला KCC माफ़ होने की जानकारी, तो ये हमें रिकमेंड कर रहा था, इसलिए हमने इसको रिसर्च किया। उसके बाद ही हम जो है आपके ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट कितने आ रहे हैं। यहाँ पे करोड़ों में रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल एंड टाइटल टैग डालेंगे। तो यहाँ पे ऑल एंड टाइटल हम मैंने यहाँ पे टैग डाल दिया, और टैग डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्च रिजल्ट जो है 0 आ रहे हैं। ठीक है, अब 0 रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब इस टॉपिक पर अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है ना। और इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर आर्टिकल लिखते हैं तो आपका आराम से आर्टिकल रैंक हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल रैंक होने का मतलब यही है कि आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे से की। तो चलिए, हम इस पर ही आगे अपनी कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको एक बार चेक कर लेना है HRF की फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल में। तो हम उसमें जाते हैं, हम दूसरा टैब खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने HRF टाइप कर दिया, HRF टाइप कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री कीवर्ड जनरेटर यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यही सेम टू सेम कीवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे फाइंड कीवर्ड कर देते हैं। फाइंड कीवर्ड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे संबंधित यहाँ पे कोई जानकारी नहीं आ रही है। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी नहीं आ रही, लेकिन इसकी जानकारी बहुत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ KCC लोन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अबाउट तो यही है ना, इसी के बारे में जान रहे हैं लोग। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इससे संबंधित टॉपिक पे ट्रैफिक है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12-12 हज़ार का ट्रैफिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, लोन KCC लोन माफ़ी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन KCC लोन माफ़ी, यहाँ पे देख सकते हैं 900 का है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे कीवर्ड हैं, यानी कि आप जो है एक कीवर्ड पर लिखते हैं, एक कीवर्ड पर फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, तो साथ ही साथ आपके रिलेटेड कीवर्ड भी रैंक होते हैं और वो भी फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। तो यही एक तरीका है रैंक होने का, अगर आप डायरेक्ट ऐसे कीवर्ड को फोकस करेंगे जो कि बहुत उसका डिफ़िकल्टी हार्ड है,
तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक छोटे से की एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पर रैंक करिए, जैसे कि यहाँ पर एक है केसीसी लोन इन हिंदी, भले ही इस पर 1900 का ट्रैफिक है, जीरो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर आर्टिकल लिखा होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, इस चेक करने के लिए आप डायरेक्ट इसको कॉपी करिए, ठीक है। ऑल इन टाइटल में डाल दूँगा, जैसे यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर सर्च करूँगा। अब आप देख सकते हैं इस पर 48 लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल लिख के रखा है, यानी कि आप 48 के नीचे 49 पर तो आ सकते हैं, और अगर आपका आर्टिकल अच्छा हुआ तो उससे ऊपर भी आ सकते हैं। तो आप इस पर भी लिख सकते हैं, इस पर 1900 का ट्रैफिक है। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसे कीवर्ड पर बता रहा हूँ कि जिस पर किसी ने भी नहीं लिखा है, तो उस पर आप और जल्दी रैंक कर जाएंगे। आप चाहें तो इस पर भी लिख सकते हैं, ये भी एक अच्छा आर्टिकल माना जाएगा, क्योंकि ये 50 से कम रिजल्ट आ रहे हैं इस पर, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ऐसे ही कीवर्ड रिसर्च करके और उन पर आर्टिकल तैयार कर लेना है, और जो उस आर्टिकल में फर्स्ट में जो 5 से 10 वेबसाइट आ रही हैं उनको एनालिसिस कर लेना है और उनसे अच्छा आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल मिनिमम 2000 वर्ड का होना चाहिए। 2000 वर्ड के अलावा उसमें जो कीवर्ड हैं रिलेटेड कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन होने से ये फ़ायदा होता है, ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं वो क्वेश्चन से ही सर्च करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन से सर्च करने का फ़ायदा यही है कि अगर आपके उसमें क्वेश्चन हैं आर्टिकल में, तो आपका जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपके कीवर्ड जो है रैंक कर जाएं। तो फ़िलहाल यही जानकारी थी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। आप ये दो टूल का उपयोग करके, गूगल क्रोम और एक HRF यूज करके, आप मोबाइल से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।